आ गए तुम लोग डॉक्टर के पास से? मुन्ने की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हमारे मुन्ने को निमोनिया हो गया है। क्या, निमोनिया हो गया है? पर कैसे, अब क्या होगा? ओहो माँ, घबराओ नहीं, सुनो तो कि डॉक्टर ने क्या क्या बताया है। क्या बताया है डॉक्टर ने मोहन? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि हमने अच्छा किया कि बिना वक्त गवाए मुन्ने को हम सीधा डॉक्टर के पास लेकर चले गए। मुन्ने को अच्छे से देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुन्ने को निमोनिया हो गया है। उसके आगे क्या बताया डॉक्टर ने, कैसे ठीक होगा निमोनिया? माँ, डॉक्टर ने बोला कि जो दवाई उन्होंने मुन्ने को खिलाने के लिए दी है उसकी पूरी खुराक हमें मुन्ने को खिलानी है, बीच में दवाई बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी है। आगे उन्होंने बताया कि अगर हमें ये लगने लगे कि मुन्ने की तबीयत ठीक होने लगी है तब भी दवाई की पूरी खुराक देनी है और मुन्ने को उसकी उम्र के हिसाब से पूरा खाना खिलाना है। और हाँ, अगर एक बार में मुन्ना नहीं खा पा रहा है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में उसे और खिलाना है। अच्छा, और क्या बताया डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने बोला है कि मुन्ने को ठंड से भी बचाना है, पूरे कपड़े पहना कर रखने हैं और साफ सफाई का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, साथ ही साथ उसको आराम करवाना है और जब सारी दवाई की खुराक पूरी हो जाए तो फिर से डॉक्टर के पास ले जाकर मुन्ने की जांच करवानी है कि निमोनिया पूरी तरह से ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटा, हम सब इस बात पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। जी हाँ श्रोताओं, निमोनिया होने पर बच्चे को डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई की पूरी खुराक खिलाएं, बीच में ना छुड़वाएं, उम्र के हिसाब से पूरा खाना खिलाएं और थोड़ी थोड़ी देर में खाना खिलाते रहें। साथ ही दवाई पूरी होने पर डॉक्टर के पास दोबारा लेकर जाएं। धन्यवाद।